హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మోడీ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించారు. కాంగ్రా జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని ఫతేపూర్ నియోజకవర్గంలోని రోహన్ లో జరిగిన ర్యాలీలో ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. మేరే దేశ్ కే గౌరవవాన్ ఇన్ నౌజవానో కో డ్రగ్స్ కే నషే మే డుబో కర్కే మేరే హిమాచల్ కీ జవానీ కో తబాహ్ కర్ దియా జాయే, बूढ़े मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया जाए. क्या ऐसे ड्रग माफिया जो आपके घर में आपके संतानों को उठा करके तबाह कर रहे हैं, ऐसे ड्रग माफियाओं का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. मैं विशेष करके हिमाचल की माताओं बहनों को आज अनुरोध करता हूं. मेरी हिमाचल की माताएं, आप वो माता हैं जिसके कोख से वीर पैदा होते हैं. आप माताओं से मेरा आग्रह है कि आप बटन दबा करके आपके वीर पुत्रों के भविष्य की रक्षा के लिए, ये ड्रग माफियाओं को खत्म करने के लिए इस चुनाव में वोट कीजिए. ये मैं सभी माताओं से आग्रह करता हूं. मैं हिमाचल की माताओं से आग्रह करता हूं, इस बार पुरुषों से 5% वोट ज्यादा दें और इन ड्रग माफियाओं को खत्म करने के लिए दें, वीर पुत्रों की रक्षा के लिए दें. कोई मां अपने बेटे को इन ड्रग माफियाओं के हवाले नहीं होने दें. मुझे मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहिए. ड्रग माफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठोरता से काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाइयों बहनों. और चौथा दानव, चौथा माफिया वो है टेंडर माफिया. टेंडर किसके लगेंगे? किसी का भाई, किसी का भतीजा. न कोई नियम, न कोई कानून, बस देते रहो. चल रहा है कि नहीं चल रहा है साहब? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये टेंडर माफियाओं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिसमें क्षमता है, जिसका हक है, उसको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो अच्छा काम करता है उसको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी का रिश्तेदारी नहीं है वो गुनाह होना चाहिए क्या? क्या कोई सिफारिश करने वाला नहीं है इसलिए आपका व्यापार, रोजगार, व्यापार, काम अटल जाना चाहिए क्या? इसलिए भाइयों बहनों, हिमाचल को तबाह किया है ये भाई भतीजे टेंडर पद्धति ने. ये टेंडर माफियाओं से हमने हिमाचल को अगर सच्चे अर्थ में विकास करना है, जनता के पाई पाई का सही इस्तेमाल करना है, तो टेंडर माफियाओं की मुक्ति से ही होने वाला है. और इसलिए इन टेंडर माफियाओं से हिमाचल को मुक्त कराने के लिए उत्तम अवसर है 9 तारीख को पोलिंग बूथ में जाकर के बटन दबाना.